चार्वाक्य दर्शन की मुख्य तीन तीन जो है उनके विचार हैं अलग अलग तरीके से। एक है ज्ञान मीमांसा, दूसरा है तत्व मीमांसा और तीसरा है नीति मीमांसा। तो हम इसको तीनों को अलग अलग करके अच्छी तरीके से साथियों समझेंगे, इसकी थ्योरियों को समझेंगे। ज्ञान मीमांसा है, उसके तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण को चार्वाक मानते, तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। दूसरा अनुमान का उन्होंने खंडन किया, अनुमान प्रमाण का, और तीसरा शब्द प्रमाण का खंडन किया। तो हम पहला जो ज्ञान मीमांसा के अंदर इस तीनों चीज़ों को समझेंगे। अब साथियों चार्वाक के दर्शन का थोड़ा सा परिचय हो जाए, क्योंकि चार्वाक का दर्शन बृहस्पति, जो ऋषि बृहस्पति थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ऐसा वेदों से पता चलता है। हमको एक बात और समझना है कि चार्वाक के दर्शन का कोई दस्तावेज अवेलेबल नहीं है। जो भी था उस समय उसको नष्ट कर दिया गया, और उसके अलावा कोई भी उनकी शिष्यों की परंपरा बहुत लंबी दूरी तक नहीं चल पाई। दूसरा एक चीज़ ये समझना है कि हमको ये सारा स्रोत कहाँ से, जानकारी कहाँ से मिली। तो पहली बात तो कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हमारा भारतीय दर्शन जो लिखा गया, उसके तीन पक्ष हैं। एक पूर्व पक्ष है, बीच में खंडन है, और फिर उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष का मतलब है विरोधी का मत, फिर विरोधी के मत का खंडन, और फिर उनका मत। तो ब्राह्मणवादी दर्शन इसी तरीके से सारे दर्शन लिखे गए हैं। इसलिए जो विरोधी का मत जहाँ भी उन्होंने सुनाया, विरोधी का मत जहाँ भी उन्होंने बताया, तो वहाँ चार्वाक का दर्शन बताया। तो चार्वाक का जो दर्शन बताया उन्होंने, ये अलग अलग बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर, उपनिषदों में बहुत सी जगह जो है चार्वाक के दर्शन की जानकारी वो देते हैं। ये और वो जानकारी इस रूप में देते हैं कि उसका खंडन करते हैं, उसकी यथार्थ जानकारी है नहीं है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। और इस कारण से ब्राह्मण दर्शन में इसको बहुत जगह गुमराह भी किया गया। जैसे कुछ जगह कहा गया कि ये ब्रह्मा जी ने जो है असुरों को गुमराह करने के लिए ये चार्वाक का दर्शन लिखा, ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है, जो कहीं से भी सत्य नहीं है, झूठ है वो। इसके अलावा साथी माधवाचार्य द्वारा, माधवाचार्य जी द्वारा लिखित जो है सर्वधर्म संग्रह जो किताब है उनकी, उसके अंदर जो चार्वाक का दर्शन मिलता है, जिसमें चार्वाक के दर्शन की काफ़ी बड़ी जानकारी यहाँ से मिलती है, जो सारे दार्शनिक उस जानकारी को वहाँ से उठाते हैं। दूसरा साथी ये भी समझना है कि चार्वाक के दर्शन को सब दार्शनिकों ने अलग अलग तरीके से, कुछ ना कुछ भिन्न तरीके से उसकी व्याख्या की है। मैं अभी आगे आऊँगा जब बताऊँगा। खासतौर से जो ब्राह्मणवादी दर्शन के जो जितने भी दार्शनिक थे, उन्होंने इसको एक आलोचना के रूप में प्रस्तुत किया, और इसको एक गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की, मतलब उसकी दिशा गलत। जैसे जो आखिरी में जब नीति मीमांसा में आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें बहुत ही गलत ढंग से जो है उसका जानकारी दी है कि चार्वाक ने कहा कि घी पियो, खुशी के लिए कुछ भी करो, चोरी करो, बदमाशी करो, कुछ भी करो, ये चार्वाक कह के गए। तो ये पूरे तरीके से असत्य तथ्य हैं। हम आज भौतिकवादी दर्शन को जो जिस रूप में आज दुनिया में हैं, यदि उसको समझते हैं, तो इस तरीके की प्रवृत्ति किसी भी तरह के जो जितने भी भौतिकवादी दार्शनिक हैं, उन्होंने कहीं नहीं बताई। आखिरी में मार्क्स ने जो बताया, मार्क्स ने भी उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। जब मार्क्स की थ्योरी बताएंगे तब हम आपको समझाएंगे। तो साथियों ये हमको इन तथ्यों को भी हमको ध्यान रखना है। एक बात और यहाँ ध्यान रखना है कि ये दर्शन लिखे गए कब। जैसे मैंने आपको बताया था कि मौर्य शासन लगभग 500 ईसा पूर्व के बाद ही लिखने की पद्धति शुरू हुई, और ब्राह्मण दर्शन जो भी लिखे गए, पहले सबसे पहले मनुस्मृति को लिखा गया था शुंग काल में। शुंग वंश का जब शासन था, पुष्पमित्र शुंग जब राजा बने थे मौर्य शासन के बाद में, तब मनुस्मृति को लिखा गया, और पहला ग्रंथ उन्होंने मनुस्मृति को लिखा था। तो हमको ये समझना, उसके बाद फिर सारे वेद लिखे गए, तो हमको ये समझना है कि ये सारे वेद बाद में ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए, तो ये स्मृतियों के रूप में लिखे गए कि उनको याद है, या श्रुति के रूप में। दो चीज़ें हैं जिसको यहाँ भी समझना है कि वेद पूरे, एक तो वेद सारे श्रुति हैं, श्रुति कहा है, श्रुति का मीन्स ये है
कि एक ने दूसरे को बताया, दूसरे को तीसरे ने बताया, तीसरे को ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे तक आए। और दूसरी है स्मृतियां, महाकाव्य जितने हैं सारी स्मृतियां हैं। स्मृतियां मतलब उनको याद है, वो याद है इस कारण से जिनको याद है उनने बताया, उसके आधार पर उनको लिखा गया। तो ये हमको दोनों चीज़ों का ये बहुत ध्यान रखना है कि ये सारा चीज़ इसमें यथार्थ नहीं है, इनको समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से इन ग्रंथों को लिखा गया और उसके हिसाब से उनको बदला भी गया। ये भी साथ ही हमको साथ में ध्यान रखना है, तर्क से हम इस चीज़ को समझते हैं। अब दूसरा तथ्य जो है साथी कि भारत के जो दर्शन हैं, भारतीय दर्शन के दो हिस्से हैं, एक आस्तिक दर्शन है और एक नास्तिक दर्शन है। टोटल 9 तरीके के दर्शन कहे जाते हैं, जिसमें 6 दर्शन आस्तिक हैं और 3 नास्तिक हैं। 3 नास्तिक का मतलब है जिसमें नास्तिक दर्शनों में आते हैं चार्वाक का दर्शन, महावीर का दर्शन और बौद्ध का दर्शन। ये 3 नास्तिक दर्शनों में आते हैं, जिसमें चार्वाक का दर्शन मुख्य रूप से भौतिकवादी दर्शन कहा जाता है। साथियों, हम चार्वाक की ज्ञान मीमांसा को समझते हैं। ज्ञान का मतलब सिद्धांत है, स्वरूप है, प्राप्ति है और प्रमाणिकता है। चार बिंदुओं से हम ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे साथियों। पहला है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान का मतलब क्या है कि जो वस्तु के अनुरूप ज्ञान है उसको यथार्थ ज्ञान कहा गया, और यथार्थ ज्ञान को प्रेमा कहा गया। दूसरा अयथार्थ ज्ञान। अयथार्थ ज्ञान जो वस्तु के विपरीत है को कहा गया अप्रामा, अयथार्थ ज्ञान। अब साथियों अगला बिंदु है कि प्रामा, प्रामा की प्राप्ति करना है, यथार्थ की प्राप्ति करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा जिसकी प्राप्ति होती है उसको कहते हैं प्रमेय, और जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको कहते हैं प्रमाता। तो ये चार शब्द हैं जिससे हमको समझना है। प्रामा मतलब यथार्थ, प्रमाण, प्रमाण मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण, और प्रमेय कौन है? जो हम प्रमाण द्वारा जिसकी प्राप्ति करते हैं। प्रमाता वो ज्ञान है जिससे हम इस प्रमाण की प्राप्ति करते हैं, या हम ज्ञाता भी कह सकते हैं इसको। इस प्रकार से प्रमाण को प्राप्त करने की ये थ्योरी है जिसको साथ ही हमको ध्यान रखना है। प्रमाण के लिए ये चार तत्व जो है हमको जरूरी। अब हम जो है प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है उसको समझते हैं। पहले प्रत्यक्ष प्रमाण की थ्योरी समझना है। प्रत्यक्ष प्रमाण की थ्योरी क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण हम किसको मानते हैं, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है? प्रति का मतलब होता है सामने, अक्ष का मतलब होता है आंख। तो इसका अर्थ होता है, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने, या आंख के सामने, या आंखों से देखा हुआ, उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष वह है जिसको आंखों से देखा जा सके, इसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। आंखों से प्राप्त ज्ञान का मतलब चार्वाक ये कहते हैं कि जो हमारी चारों जो इंद्रियां हैं उससे देखा गया प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष है। चार इंद्रियां क्या है? आंख, नाक, कान, त्वचा। हमको आंख से देखा, देखना है, देख के एहसास करना है किसी वस्तु को, नाक से सूंघ के एहसास करना है, कानों से सुन के एहसास करना है, मुंह की जीभ से जो है स्वाद लेके एहसास करना है। तो ये चारों चीजों से जिस वस्तु का हमने प्रत्यक्ष किया वही प्रत्यक्ष है। इससे प्राप्त ज्ञान को हम बाह्य ज्ञान बोलते हैं। दूसरा साथियों मन है। मन से प्राप्त ज्ञान को हम मानस प्रत्यक्ष बोलते हैं। जैसे मन से हम सुख और दुख का एहसास करते हैं, बहुत सारे एहसास हम अलग से करते हैं जो मन से करते हैं, वो किसी तरीके से देखे नहीं जा सकते हैं। तो मन से हम एहसास करने वाला एक है, और बाकी जो हम अपनी चार इंद्रियों से उसका प्रत्यक्ष करते हैं यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। चार्वाक कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य चीज की अनुमान या शब्द प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम अनुमान का जो खंडन किया चार्वाक ने उसको समझते हैं। तो जब अनुमान के खंडन को समझना है हमको, तो पहले हमको अनुमान को समझना है कि अनुमान क्या है। अनुमान दो शब्दों से बना है, एक तो अनु प्लस मान। अनु का मतलब होता है पश्चात,
और मान का मतलब होता है ज्ञान, इसका मतलब है पश्चात ज्ञान। अनुमान का मतलब यह है कि पूर्व ज्ञान के पश्चात का पूर्व ज्ञान, जो पहले पूर्व ज्ञान, पहला पूर्व ज्ञान प्रत्यक्ष होने से प्राप्त हुआ। अब इसको थोड़ा सा समझा, मैं उदाहरण से समझाऊंगा, थोड़ी थ्योरी थोड़ी कठिन है और इसको आप समझ जाएंगे तो बाकी सब चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। अनुमान का अर्थ यह है कि जो हमने पूर्व ज्ञान है हमारे पास, जैसे हमने किसी वस्तु को पहले देखा तो पूर्व ज्ञान है वो, उसके आधार पर जो अनुमान करते हैं वो हमारा पूर्व ज्ञान के आधार पे वर्तमान का ज्ञान है। तो जो हम पूर्व ज्ञान हमारे दिमाग में है उसके आधार पे जो हम अनुमान करते हैं उसको हम अनुमान कहते हैं। अब साथ ही इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है जो हर दार्शनिकों ने इसी एग्जाम्पल को लिया है, इसलिए मैं भी इसी उदाहरण से आपको इसकी थ्योरी को समझाऊंगा। जैसे साथियों एक व्यक्ति है जो खड़ा है और उसने पहाड़ के ऊपर धुआं देखा, तो धुआं देख के उसने अनुमान लगा लिया कि पहाड़ में आग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। तो ये अनुमान लगा लिया उसने। अब इस अनुमान की थ्योरी को यदि हम समझते हैं तो इसमें क्या है, ये व्यक्ति है जो देख रहा है, दूसरा धुआं है जो दिख रहा है दूर से, और तीसरा जो पर्वत है जो जिसके नीचे से धुआं निकल रहा है। तो हमने तीन चीजों को देख करके हमने ये अनुमान लगाया कि हाँ आग लगी हुई है, मतलब हमने तीनों चीजों को इसको समझ करके हमने आग का अनुमान किया कि आग लगी हुई, आग को हमने देखा नहीं, आग का हमने अनुमान किया। तो इसमें दोनों दो चीजें हैं कि हमने धुआं को और आग को, धुआं और आग का जो पूर्व अनुमान है, पूर्व अनुमान है जो हमने पहले देखा है कि आग कहीं लगती है तो उससे धुआं निकलता है, पूर्व अनुमान है, उसके आधार पर हमने ये सोच लिया कि ये यहां पे आग लगी हुई है। तो ये क्या हुआ कि धुआं और आग के बीच का जो संबंध है उसको व्याप्ति संबंध बोलते हैं। ये हमने देखा नहीं, अनुमान से हमने बोल दिया। ये मुख्य बात है, इसको ध्यान रखना कि हमने देखा नहीं, प्रत्यक्ष नहीं किया और अनुमान से हम बोल दिया। तो धुआं और आग का जो बीच का संबंध है उसको व्याप्ति संबंध बोलते हैं, और आग और धुआं को जोड़ने का काम जो है ये व्याप्ति संबंध करता है। तो हमने अनुमान को सही सिद्ध करने के लिए हमने व्याप्ति संबंध का सहारा लिया, हमने अनुमान को सही सिद्ध करने के लिए व्याप्ति संबंध का सहारा लिया। व्याप्ति संबंध क्या है? धुआं और आग के बीच का संबंध है। यह हमारा पूर्व अनुमान के आधार पर लगाया गया अनुमान है, तो यह व्याप्ति संबंध है। अब इसको साथियों हमको आगे समझना है। अनुमान के तीन अवयव हैं जो मैंने आपको बताया। तीन अवयव क्या है? एक हेतु है, हेतु क्या है? धुआं है। दूसरा साध है, साध क्या है? अग्नि है। और तीसरा है पक्ष, पक्ष क्या है? पहाड़ है। तो तीन अवयव, तीनों को मिला के थ्योरी है। इसलिए जो व्याप्ति संबंध है वो हेतु और पक्ष के बीच का संबंध है। जैसे मैंने बताया हेतु पहाड़ पे अग्नि लगी हुई है, तो अग्नि का और धुएं का, या हम ये कहते हैं पहाड़ का और धुएं का बीच का संबंध जो है व्याप्ति है। तो बीच में क्या है? आग है, जिसका हम अनुमान लगा रहे हैं। तो आग क्या है? व्याप्ति है। और ये अनुमान हम काय से लगा रहे हैं? पूर्व अनुमान से लगा रहे हैं। अब साथियों हमको समझना है कि चार्वाक ने इसका खंडन कैसे किया। व्याप्ति संबंध जो है हेतु और साध्य के बीच का संबंध जो है व्याप्ति संबंध है, और इसके चार पांच तत्व होते हैं जो व्याप्ति संबंध को जस्टिफाई करते हैं। उसमें एक होता है नियत संबंध, जिसका अर्थ होता है कि ये हमेशा रहता है। दूसरा होता है सहचार संबंध, के साथ साथ होता है। तीसरा होता है सार्वभौम संबंध, कि सभी जगह ऐसा ही होता है। चौथा होता है अव्यभिचारी संबंध, जिसका मतलब होता है एकांतिक। पांचवा होता है अनौपधिक, इसका मतलब होता है शर्त रहित।
तो ये पांच तरीके से हम इसको व्याप्ति संबंध को प्रमाणित करते हैं। इसलिए चार्वाक ने कहा कि व्याप्ति संबंध जो है वो पूर्व अनुमान के आधार पर, पूर्व अनुमान के आधार पर व्याप्ति संबंध है। और व्याप्ति संबंध में हमेशा क्या, ये हमेशा ये होता है क्या कि जहां आग लगती है वहां धुआं उठता है? क्या हमेशा ऐसा होता है? तो जिसका अर्थ है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। आग इतनी भी लगी हो कि इतना ज्यादा धुआं ना उठे और आग लगी हो, ऐसा होता है? तो जब ऐसा होता है तो चार्वाक ने कहा है कि ये तो फिर ये साथ साथ तो कभी हमेशा एक जैसी क्रिया नहीं है ना, कि हमेशा इतना धुआं उठेगा कि दूर से हम उसको देख सकते हैं। तो आग ऐसा भी हो सकता है कि आग लगी हो हम नहीं देख सकते, धुआं इतना ना उठे, आग लगी हो धुआं ना उठे। तो चार्वाक ने कहा है कि ये क्रिया निरंतर नहीं है, ये कभी कभार वाला है, कि कभी ऐसा हो सकता है कि धुआं उठे और कभी ऐसा हो सकता है कि धुआं नहीं भी उठे। तो इसलिए ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया, इसलिए चार्वाक ने कहा कि ये जो व्याप्ति संबंध है, इसलिए ये प्रक्रिया निश्चयात्मक सिद्धि नहीं देती, कि निश्चय नहीं है कि जो कहा जा रहा है उसमें पूरा निश्चय नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि व्याप्ति संबंध की जो पुष्टि है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण तो उन्हें नीचे आग तो देखी नहीं है। इसलिए साथियों उन्होंने कहा कि इससे अवैध सामान्यीकरण का नियम लग जाएगा, जिसका मतलब होता है कुछ के लिए सब, तो कुछ के लिए सब का प्रमाण जो है ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, इसके अंदर दोष है। इसलिए चार्वाक ने कहा कि व्याप्ति संबंध जो है वो दोषपूर्ण है, क्योंकि व्याप्ति हेतु, हेतु और साध्य के बीच में अंतर है, प्रत्यक्ष नहीं है उसके बीच में। ये पूर्ण प्रत्यक्ष के आधार पर बोला गया है, जो पूर्ण प्रत्यक्ष जो है अलग अलग भी हो सकता है। इसलिए इस आधार पर इस अनुमान का चार्वाक ने खंडन किया। दूसरा उन्होंने कहा कि व्याप्ति जो है वो अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध नहीं होती। इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें, कि अनुमान को प्रमाणित करने के लिए व्याप्ति का सहारा ले रहे हैं और व्याप्ति को प्रमाणित करने के लिए अनुमान का सहारा ले रहे हैं। इसलिए इस दोनों पद्धति में चक्रक दोष का जो है लग जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, चक्रक दोष लग जाएगा। ये वेदों का समझ है कि इस तरीके से अगर ये चीज मिलती है उसको समझने के लिए है, कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में को प्रमाणित करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए ये दोषपूर्ण है। उसके साथ में अनवस्था दोष भी इसमें लग जाएगा, कि हम अनुमान को सिद्ध करने के लिए व्याप्ति का सहारा रहे, फिर व्याप्ति को सिद्ध करने के लिए अनुमान का सहारा ले रहे, इसलिए इसको अगर ये अनंत काल तक चलता रहेगा ये जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, इसलिए ये दोषपूर्ण है। व्याप्ति की सिद्धि उपमान प्रमाण से भी नहीं होती। तो ये उपमान प्रमाण क्या है पहले हमको ये समझना है। तो इसका मतलब है उपमा द्वारा प्राप्त ज्ञान, जिसको उपमति कहते हैं। उपमा द्वारा कैसा प्राप्त ज्ञान, जैसे उदाहरण के लिए मैं समझा देता हूं कि एक व्यक्ति है सोनू, वो जंगल जा रहा था। कहां जा रहा था? जंगल जा रहा था। तो सोनू ने को मिल गया मोनू, तो सोनू ने मोनू को बताया कि मैं जंगल जा रहा हूं। तो मोनू ने सोनू से कहा कि तू जंगल जाएगा तो वहां तेरे को नीलगाय मिलेगी। सोनू ने नीलगाय नहीं देखी थी, तो सोनू ने कहा ये नीलगाय कैसी होती है? कहा कि गाय जैसी होती है। तो सोनू ने गाय देखी हुई थी, गाय का प्रतीत किया हुआ था, इसलिए जब सोनू जंगल गया तो उसने नील गाय को पहचान लिया कि यही नील गाय है। तो नील गाय को कैसे पहचाना? मोनू ने नील गाय का पहले प्रत्यक्ष किया था, उस आधार पर उसने सोनू को बताया। अब सोनू जब वहां जंगल गया तो उस आधार पर उसने नील गाय को पहचान लिया। तो इसमें चार्वाक ने कहा यह थ्योरी सादृश्यता या तुलना पर आधारित है।
उन्हें समझाया कैसे कि जो सोनू है उसको मोनू ने बताया, और मोनू जो है खुद नील गाय का प्रत्यक्ष कर चुका था, इसलिए ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही कहलाया। उसने प्रत्यक्ष करने के बाद ही मोनू ने सोनू को बताया, इसलिए ये प्रत्यक्ष ही प्रमाण ही हुआ है, इसलिए इसको प्रमाण नहीं कहा जा सकता है। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही है, इसलिए इसको प्रमाण कैसे कहा जा सकता। इसलिए उपमान प्रमाण को भी चार्वाक ने खारिज कर दिया। अब उन्होंने कहा कि व्याप्ति की सिद्धि, व्याप्ति जो संबंध है उसकी सिद्धि कार्यकारण सिद्धांत से भी नहीं होती है। अब ये कार्यकारण सिद्धांत क्या है? किसी भी कार्य करने के दो कारण होते हैं, ये कार्य होता है, ये कारण होता है। जैसे धुआं और आग, वर्षा और बादल, कुम्हार और घड़ा, तो इसमें अगर घड़ा बनाया कुम्हार ने तो इसमें दो लोगों का योगदान है, कार्य भी है और कारण भी है। तो इस थ्योरी से जो ये व्याप्ति संबंध वाली थ्योरी है वो प्रमाणित नहीं होती है। उसको कैसे बताया? कारण दो प्रकार के होते हैं, एक निमित्त कारण होता है और दूसरा उपादान कारण होता है। तो इसका निमित्त कारण क्या है? वो है कुम्हार, और इसका उपादान कारण क्या है? वो है मिट्टी। तो ये दोनों कारण मिलके ही तीसरा पैदा कर रहे हैं, मतलब कार्य कुम्हार ने मिट्टी से कार्य किया तब घड़ा पैदा हुआ। इसमें भी चार्वाक ने यही कहा, इसलिए क्योंकि इसमें कार्य कारण और व्याप्ति दोनों एक दूसरे से सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए इसके अंदर भी चक्रक दोष आएगा, इसलिए ये भी व्याप्ति संबंध को सिद्ध करने के लिए दोषपूर्ण है। व्याप्ति संबंध की सिद्धि समान गत द्वारा भी नहीं होती। अभी समान गत क्या है? समान गत का अर्थ है साथियों, सामान्य का मतलब होता है विशेष और प्रत्यक्ष का मतलब होता है विशेषों। अब इसमें जहाँ जहाँ धुआं उठा वहाँ वहाँ आग लगी, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, पर्वत पर धुआं है इसलिए वहाँ पर आग है। इसमें आत्म आश्रय दोष हो जाएगा कि जिसको सिद्ध करना था वो अपन ने पहले ही मान लिया कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो ये भी जो ये थ्योरी है ये भी दोषपूर्ण है। इसलिए साथियों इस तरीके के तथ्यों से चार्वाक ये जो अनुमान की थ्योरी है इसको पूरी तरीके से नकारते हैं और प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। अब हम साथियों दूसरा जो बात है वो है शब्द को प्रमाण माना। चार्वाक ने शब्द को प्रमाण नहीं माना। शब्द प्रमाण क्या है पहले इसको समझना है। अब साथियों शब्द प्रमाण को समझना है। शब्द प्रमाण दो तरीके के होते हैं, एक होता है लौकिक और दूसरा होता है वैदिक। जो लौकिक प्रमाण है वो उनको कहा जाता है ये आप्त पुरुषों से मिले हैं। आप्त पुरुष का मतलब है विश्वसनीय लोगों से मिले हैं। आप्त पुरुष हम किनको कहते हैं? जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, ऋषि हैं, ये जो कह गए हैं ये आप्त वचन हैं। आप्त वचन का मतलब सत्य वचन है। वेदों के अंदर जो लिखे हैं ये आप्त वचन लिखे हुए हैं, जिसलिए क्योंकि वेदों को कहा जाता है कि वो भगवान ने लिखा है, तो अच्छे आदमी ने लिखा है, तो वो आप्त लोगों ने लिखा है, इसलिए वेद पुराणों को आप्त वचन भी कहा जाता है। तो आप्त लोगों ने लिखे हैं, आप्त का मतलब विशेष लोगों ने लिखे हैं। तो ये दो तरीके से होते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक लौकिक होता है वो एक वैदिक होता है। तो लौकिक का मतलब है जो विश्वसनीय लोगों ने जो कहा है वो आप्त हो गया, और जो वेदों में लिखा हुआ है वो वैदिक हो गया। वेदों को ये भी कहा जाता है कि वेद जो है ईश्वर ने लिखे हैं, तो वेदों के अंदर जो लिखा गया है शब्द के रूप में उसको वैदिक कहते हैं, और जो अलग से कहा गया है उसको लौकिक कहते हैं। अब ये शब्द प्रमाण को चार्वाक ने जो जस्टिफाई किया, उन्होंने कहा कि जो लौकिक शब्द है ये तो अनुमान पे आधारित है। कैसे? जैसे
राम थे। अब राम थे, राम क्या है, एक विश्वसनीय व्यक्ति हैं, इसलिए राम के वचन जो सत्य हैं, ये हमने मान लिया कि राम विश्वसनीय व्यक्ति हैं और इसलिए राम के वचन सत्य हैं। मगर राम का प्रत्यक्ष नहीं हुआ, हम राम का प्रत्यक्ष तो नहीं किए, ना राम को हमने देखा, तो राम के जो वचन हैं वो हमने इस आधार पर मान लिए कि वो जो है विश्वसनीय है। क्या है? विश्वसनीय है। विश्वसनीयता का जो है हमने अनुमान कर लिया, ये हमने अनुमान ही किया ना कि वो विश्वसनीय है, उनको तो देखा नहीं, प्रत्यक्ष देखा नहीं हमने, इसीलिए जो है इसके अंदर भी, क्योंकि अनुमान तो पहले खारिज हो चुका है, तो अनुमान की जो थ्योरी है वो जो है उस वो इस पे लागू नहीं होती है। और शब्द प्रमाण के लिए हम फिर उसी व्याप्ति का सहारा ले रहे, क्योंकि शब्द प्रमाण कैसे किया हमने, अनुमान से, वो अनुमान को कैसे प्रमाणित कर रहे थे हम, व्याप्ति से, इसलिए वापस ये गोल गोल चक्र हो गया, हम वापस घूम घाम के वहीं आ गए। इस कारण से ये वाला जो तथ्य है, पाठ है, ये जो है दोषपूर्ण है और इसको प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता। दूसरा जो वेद वाला है उसको तो चार्वाक ने पहले ही उसमें रिजेक्ट कर दिया था कि वेद जो है किसी के द्वारा लिखे गए हैं वो कहीं भी यथार्थ नहीं है, जो वेदों में लिखा है इसलिए यथार्थ नहीं है, इसलिए इसको प्रमाण नहीं मान सकते साथियों। तो यहाँ से ये शब्द प्रमाण जो है, चार्वाक ने शब्द प्रमाण की जो व्याख्या थी, इस व्याख्या से शब्द प्रमाण को भी उन्होंने प्रमाण के रूप में मानने से मना कर दिया और इस तरीके से तर्क से शब्द प्रमाण को खारिज कर दिया। तब के साथ हमको समझना है कि जो बाकी बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे दर्शन हैं, वो दर्शन में अलग अलग प्रमाणों को माना है, अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग प्रमाण को माना है। जैसे साथियों चार्वाक ने केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है, बौद्ध ने जो है प्रत्यक्ष को और आध्यात्मक को प्रमाण माना है, संख्य योग जैन और महानुज इन्होंने शब्द को भी प्रमाण माना है, अनुमान को भी प्रमाण माना है और प्रत्यक्ष को भी प्रमाण माना है। मीमांसक इन्होंने प्रत्यक्ष को भी माना है, शब्द को भी माना है, अनुमान को भी माना है, उपमान को भी माना है, अर्थपति को माना है। ऐसे करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी जो दर्शन हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रमाणों से अपने ग्रंथ को लिखा अपने, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दर्शन समझ में आया होगा। और आपसे अपील है कि इसको थोड़ा दो तीन बार सुने, क्योंकि ये थ्योरी समझने में थोड़ा कठिनाई होती है, और सुनने के बाद से इसको समझें। तो ये था साथियों ज्ञान मीमांसा, जिसको चार्वाक दर्शन ने जनता के सामने रखा और उन्होंने केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण माना। अब इसके आगे साथियों हम तत्व मीमांसा को समझेंगे, जिसमें हम बाकी सारे तत्वों को साथियों समझेंगे। तो धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपसे अपील ये है कि आप हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में निवेदन है कि इस मूवमेंट्स में जो हम चला रहे हैं, ये जागृति का मूवमेंट चला रहे हैं, इसमें सहयोग करें साथियों। थैंक यू साथियों, धन्यवाद, थैंक यू।